हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फोर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 10 अक्टूबर को रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए जनरल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और देखिए, इसमें तीनों शिफ्ट के मिक्स क्वेश्चंस हैं और आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से भी फ्री में आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज क्वेश्चन पूछा गया है कि बहत किस देश की मुद्रा है, करेंसी है। तो बहत जो है यह थाईलैंड की करेंसी है, ठीक है। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है, तो बैंकॉक है। और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वह हैं प्रयुत चन ओचा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कचरा महोत्सव 2018 कहाँ मनाया गया है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आज पूछा गया है, कचरा महोत्सव 2018। तो यह रायपुर छत्तीसगढ़ में मनाया गया है, ठीक है। भारत में पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कचरा महोत्सव का आयोजन 19 से 21 जनवरी के बीच किया गया था। और इसमें कचरे से बेस्ट चीज़ें बनाने की तकनीक पर बात हुई थी, ठीक है। तो कचरा महोत्सव रायपुर में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और राइबोसोम किसकी बनी होती है, तो यह आरएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, यह बोला जाता है राइबोसोम को। देखिए, आरएनए जब पूछा गया है तो आने वाले पेपर्स में डीएनए का भी पूछा जा सकता है, तो आप इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो यह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस में। और इसके अलावे भी पाया जाता है, वह माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। यह फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति। और इनके द्वारा एक और बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे मतलब इनके द्वारा किताबें लिखी गई हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। इग्नाइटेड माइंड्स जो है, इस पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम ही है, ठीक है। ये जो है विंग्स ऑफ फायर, ये एपीजे अब्दुल कलाम की मतलब ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। और देखिए, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो यह बोला जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है कैरोलस लिनियस को, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, यह रिपीटेड क्वेश्चन है, यह बहुत बार पूछा जा चुका है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यह भी जो क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, 1/2 mv², जहाँ m का मतलब मास है, ठीक है, यानी द्रव्यमान, और v का मतलब है वेलोसिटी। तो अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं, तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, ठीक है, जिसमें अगर कहीं m दिया हुआ हो, यानी मास दिया हुआ है, कहीं वेलोसिटी दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो इसलिए आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमा खांडू किस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो पेमा खांडू जो हैं, यह अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, तो बीडी मिश्रा हैं, ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। आज एक और क्वेश्चन पूछा गया है मुख्यमंत्री से कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में WBC का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, यह भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो WBC का जो मुख्य कार्य है, व्हाइट ब्लड सेल्स का, वह है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। और RBC का मुख्य कार्य क्या है, यह भी पूछा जा सकता है, वैसे तो पूछा जा चुका है, ठीक है। तो RBC का और WBC का जो मुख्य कार्य, आप दोनों को याद रखिएगा। तो RBC का जो मुख्य कार्य है, वह है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। यह भी आप याद रखिएगा कि RBC एवं WBC का अनुपात कितना होता है, तो 600:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है। तो देखिए, ब्राज़ील में भारत की तरफ से जो वहाँ के अभी वर्तमान राजदूत हैं, वह हैं अशोक दास, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा।
ब्राज़ील का जो कैपिटल है वह है ब्रासिलिया, ठीक है, ब्रासिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो यह किया गया है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, तो किस भाग का बात किया जा रहा है, तो यह भाग 9 में है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो यह 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ किया गया था, तो यह राजस्थान के एक जगह है नागौर, तो यहाँ पे किया गया था, ठीक है, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला वन रेस जर्मन ग्रैंड प्रिक्स 2018 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, फॉर्मूला वन रेस जर्मन ग्रैंड प्रिक्स 2018 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है, तो आप इसे याद रखिएगा। लगता है यह फर्स्ट टाइम पूछा गया है, तो आने वाले पेपर्स में फिर से पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह फर्स्ट टाइम पूछा गया है, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो देखिए, यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है, यह कल वाला शिफ्ट में पूछा गया था, कल वाला पेपर में, ठीक है, कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो ठोस में होती है, सॉलिड में। और बात करें कि इसके बाद जो होता है ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में होता है, और सबसे कम जो होती है वह होती है गैस में, ठीक है। निर्वात में ध्वनि की चाल बिल्कुल नगण्य होती है, शून्य होती है, ठीक है, जीरो होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड है, तो आप इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखिए, यह कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है और एएलपी में भी पूछा गया है, ठीक है, तो आप इसे याद रख लीजिएगा कि सिक्किम के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वह हैं एआर रहमान, ठीक है। अगला प्रश्न, वालमार्ट ने फ्लिपकार्ट को कितना प्रतिशत खरीदा है, कितना प्रतिशत हिस्सा खरीदा है? तो देखिए, वालमार्ट जो है यह एक अमेरिका की कंपनी है, जिसने फ्लिपकार्ट का 77% जो हिस्सेदारी है वह खरीदा है, ठीक है, 16 अरब डॉलर में खरीदा है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, 16 अरब डॉलर, लेकिन आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, 77% हिस्सेदारी खरीद लिया है। वालमार्ट के वर्तमान सीईओ कौन है, तो डग मैकमिलन है। और बात करें अगर फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है, तो कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, ठीक है, कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जी का जो सर्वाधिक मान होता है वह होता है ध्रुव पर, ठीक है, पोल पर, और जी का जो सबसे न्यूनतम मान होता है, सबसे कम मान होता है, वह होता है विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर, ठीक है। जी का मान कितना होता है, तो जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है। आज पूछा गया है, कैडमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो देखिए, कैडमियम का परमाणु क्रमांक 48 होता है, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में मुख्य अभिनेता कौन है? तो देखिए, टॉयलेट एक प्रेम कथा एक मूवी है जो कि 2017 में रिलीज हुई थी, और इसके जो मुख्य अभिनेता हैं, एक्टर हैं, हीरो हैं, वह हैं अक्षय कुमार, ठीक है, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वह हैं श्री नारायण सिंह, तो यह भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2017 का विजेता कौन है? तो आईपीएल 2017 का विजेता मुंबई इंडियंस है, और अगर बात करें आईपीएल 2018 का खिताब किसने जीता, विजेता कौन है, तो चेन्नई सुपर किंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए, सबसे अधिक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। पूछा गया, एथेन का सूत्र क्या होता है? तो एथेन का सूत्र होता है C2H6, ठीक है, जब एथेन का पूछा गया तो आने वाले पेपर्स में इथिन का भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इथिन का जो सूत्र होता है वह होता है C2H4, ठीक है, और मिथेन का सूत्र भी आप याद रखिएगा, जिसे मार्स गैस बोला जाता है, मिथेन को, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है CH4। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन मुझे मिले हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।